डिलीवरी में इतनी लेट क्यों लगा दी? लीजिए। कमला दीदी आप, और ये पैकेज? जी ये मेरे बेटे का काम है, तो उसके सामान की डिलीवरी ना मैं ही करती हूँ। ओह तो ये वही काम है जिसके लिए तुमने मेरा काम छोड़ा था? तुमने तो कहा था कुछ बहुत बड़ा बिजनेस खोलोगी, यही है क्या तुम्हारा वो बिजनेस? जी बेटा जी। बेटा? बेटा किसे कह रही है? नौकरानी है ना, नौकरानी की तरह रह, मैम या मेम साहब ऐसे वर्ड्स का यूज कर। जी मालकिन। तो फिर बता ना, इसी काम के लिए हमारे घर का काम छोड़ के गई थी तू? जी मालकिन। ओह हमसे तो कह के गई थी कुछ बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत पैसे कमाएगी, नाम कमाएगी, ये करूंगी वो करूंगी, और अब क्या कर रही है, घर घर जाके डब्बे बांट रही है। मेरी बात तो सुने मालकिन। अच्छा खासा मेरे घर पे काम कर रही थी, टाइम से तुझे सैलरी भी मिल जाती थी, लेकिन अब क्या कर सकते, तुझ जैसे अनपढ़ गवार कुछ और कर भी तो नहीं सकते, फिर यही करेंगे, घर घर जाके डब्बे बांटेंगे। मालकिन आपने मेरी तनख्वाह के पैसे दिए ही कब? जब मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो आपने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया था। अब ना मैं खूब मेहनत करती हूँ, खूब पैसा कमाती हूँ। तो हम क्या चोरी करके पैसे कमाते हैं? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन। लेकिन क्या? तेरी तनख्वाह तो मैंने दी नहीं, और अब इस पैकेज के भी पैसे ना तुझे नहीं मिलेंगे। चुपचाप से यहाँ से चली जा, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगी। नहीं नहीं मैम साहब ऐसा मत कीजिए, ये मेरे बेटे का काम है। देख बहुत शराफत से तुझे कह रही, यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। नहीं नहीं मैम साहब मुझे पैसे चाहिए। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक निकल यहाँ से। हेलो मैम। हेलो मैम, एक्चुअली आपकी कंपनी में मैनेजर की वैकेंसी है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको मैं क्वालिफाई करती हूँ, तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है? हाँ शो रिज्यूम चेक कर लेती हूँ तुम्हारा। रिज्यूम तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन मेरी हाँ के साथ साथ इसमें मेरे पार्टनर की भी हाँ की जरूरत है। सुनीता वो स्कॉटलैंड वाला ऑर्डर चला गया ना? हाँ वो तो डन हो गया, आप इनसे मिलिए, ये हमारी कंपनी में नई पोस्ट के लिए आई है। ओह मैं तुम्हें बेटा जी कह के बुलाऊं, मालकिन कह के बुलाऊं, या मैम साहब कह के बुलाऊं, नहीं बता पा रही हो ना? वैसे मैं तुम्हें ना एक बात बता दूं, मैं कभी भी ना अनपढ़ गवार नहीं थी, आई एम वेरी मच वेल एजुकेटेड पर्सन, पर मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे तुम्हारे घर में काम करना पड़ा। और सुनीता तुम जानती हो मैं इनके घर पे ना झाड़ू पोछा सब किया करती थी, और इन्होंने क्या किया, मुझे ना धक्के दे के अपने घर से बाहर निकाल दिया, और ना ही इन्होंने मुझे सैलरी दी। अब रिज्यूम तुम्हारे सामने है, अगर ये डिजर्व करती है तो इसे जॉब दे दो। पहचाना तुमने इन्हें? ये बहुत सारे घरों में काम करती थी, क्योंकि इनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, और आज आज ये इस मुकाम तक पहुंची है तो सिर्फ अपनी मेहनत और अपने टैलेंट की वजह से। अभी तुम यही सोच रही होगी ना कि ये यहाँ कैसे, मैं बताती हूँ। मैं जब इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो इन्होंने मुझे आइडिया दिया था इस ऐप के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई थी, इन्हें बस एक इन्वेस्ट करने वाला इंसान चाहिए था, और मैंने इन्वेस्ट किया, बस इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी ही मेहनत इन्होंने भी करी है। लेकिन तुमने क्या किया इनके साथ? खैर तुम्हें मैम की बातें सुनकर पता तो चल ही गया होगा कि तुम्हें ये जॉब मिलेगी या नहीं। नाउ व्हाट डू यू थिंक, कि तुम्हें ये जॉब मिलेगी या नहीं? मैम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस सब के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। क्वालिफाइड तो आप तब होंगी ना जब आपको लोगों की रेस्पेक्ट करना आएगा। अगर कोई इंसान आपसे उम्र में छोटा है या बड़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें उस इंसान से कैसे बात करनी है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। घमंड के चक्कर में आप अंधी हो गई, और तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब दे दूँ और अपनी कंपनी डुबा दूँ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ जॉब नहीं दे सकती, और यहाँ तो क्या तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें कहीं जॉब करनी है तो पहले अपना ये बिहेवियर ठीक करो, तब जॉब करने की सोचो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें कभी भी किसी भी इंसान के बुरे परिस्थिति में उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ना ही उसके साथ बुरा करना चाहिए। तो अगर तुम्हें कभी मौका मिल रहा है तो उस इंसान की हेल्प करो, उसका साथ दो, ना कि उनको नीचा दिखाओ, समझी? नाउ गेट आउट। पर मैम प्लीज। फुल कुमारी। जी मैम। इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। जी मैम। ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। कैसे हैं आप लोग?
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोगों का मिसबिहेव करना अच्छा लगता है, उनका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान कभी बड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली उनकी सोच बहुत गिरी हुई है। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए और हमेशा ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी मदद करते हैं, और आप भी लोगों की मदद कीजिए ताकि हमारे सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। किसी का भी मजाक ना बनाए, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, सबका सम्मान करे, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली का शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल इस वीडियो का, और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।